बाबूजी इलायची खत्म हो गई है, आप आते हुए ले आएंगे। बेटा इलायची तुम्हारी सास का नाम है और हमारे घर में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। जी ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी अगली बार। पिताजी माँ जी खत्म हो गई है, बाजार से लेके आना। डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे, अंत में जब वह मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। चिंता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता। हम अगर किसी का मलेरिया का इलाज करते हैं तो वह मलेरिया से ही मरता है। अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना। तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा सुधीर? दिमाग खराब मत करो हरीशचंद, तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो। रुक जा बेटा, अभी तेरा इलाज करता हूँ। मुझे परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं। मैंने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। किसी भूले को सुधीर जी राह बताते हैं तो किसी हारे को जीने की शक्ति भी देते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा गुण यह है कि वह जात पात ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मानते। यही कारण है कि सुधीर जी चाहने वाले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भारत से लेकर अमेरिका, रूस, चीन तक फैले हुए हैं। इन लाखों प्रशंसकों में एक आप भी हैं। हेलो भाइयों और बहनों और उनके छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं? आज का वीडियो डिजिटल लाइफ पे आधारित है। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह होगी। ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे जो तुम्हारी दीपी को नाइस पिक कहा था। मेरी अकल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे यार, आज रात भर नींद नहीं आई। क्यों, क्या बात हुई? रात भर मैंने सपने में देखा मैं जाग रहा हूँ। What a no. पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है? हाँ पापा देखी है, बल्कि रोज देखता हूँ उसे। कौन सी बुक पढ़ने लगा है तू? फेसबुक। ओह नो। डॉक्टर साहब, मेरे पति हमसे सही से बात नहीं करते हैं, इसका कोई इलाज है तो बताओ। अच्छा, लगता है तुम्हारे पति को बहुत आराम की जरूरत है, इसीलिए ये लो नींद की गोलियाँ। उन्हें ये कब देनी है डॉक्टर? ये उनके लिए नहीं है, आपके लिए है। सर, जब आप अमेरिका जाकर ओबामा से मिलें तो उनसे हाथ मिलाएं और पूछें कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। इस पर ओबामा कहेंगे कि आई एम फाइन एंड यू, इसका मतलब हुआ कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। आप जवाब दीजिएगा मी टू, मतलब कि मैं भी। इसके आगे की बातचीत ट्रांसलेटर संभाल लेंगे। हु आर यू? आई एम मिशेल्स हस्बैंड। मी टू। लालू, तुझे स्विमिंग आती है? ना। शिट, तेरे से तो अच्छा कुत्ता है जो स्विम कर लेता है। क्या तुमको आता है स्विमिंग? वा या, ऑफ कोर्स आता है। ससुरा, फिर तोहरे और कुत्ता में फर्क का है बे? सर, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? आई एम इंडियन। नो नो सर, यू आर शाकाहारी और मांसाहारी? आई एम बिहारी। ओह नो। सुधीर, बताओ आज तुमने होमवर्क क्यों नहीं बनाया है? ओह नो सर, जब मैं पढ़ने बैठा तो बिजली चली गई। तो बिजली आने के बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? बाद में मैंने इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से बिजली ना चली जाए। ओ, नो। चिंटू, बताओ आदमी और गधा में क्या अंतर है? बड़ा हूँ। अंतर है न सर, आदमी को गधा बना सकते हैं लेकिन गधा को आदमी नहीं बना सकते। अरे चिंटू, कभी जिंदगी में अच्छा काम किया है? काम किया है ना सर, बहुत अच्छा अच्छा काम। एक बार की बात है, हमारे गली से होकर एक औरत जा रही थी धीरे धीरे घर को, मैंने उस पर कुत्ता लगा दिया, तेजी से भाग के चली गई, हुआ ना। काम वाली शांति को जल्दी से बुलाओ। क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला है रात में दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। ओ यार, मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ। 26 जनवरी ठेके की छुट्टी रहेगी, 27 जनवरी अखबार की छुट्टी रहेगी, समझ गई ना। तो क्या दारू पीकर ही खबरें छापते हैं? इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? सर, हमें ना वर्ड फ्लू हो गया था। लेकिन ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं।
इंसान समझा कहाँ आपने दोस्त? बनता भाई, तुम्हें पता है आज मेरी भैंस ने अंडा दिया। अबे भैंस कब से अंडा देने लगी? ये मेरा स्टाइल है, मैंने अपने मुर्गी का नाम भैंस रखा है। अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। अभी मैं उसे सजा देता हूँ। रहने दे भाई, मैंने उसे सजा दे दी है। कैसे? सिंपल, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया, हिसाब बराबर।